ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके ही YouTube चैनल और आपके ही WhatsApp ऑडियो चैनल पर, जहां से आपको ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं डेली आपके ही WhatsApp चैनल पर आ रही हैं। ये आपका WhatsApp अकाउंट हर दिन आपको ये ब्लेसिंग्स देता है, और कभी कभी मिस आउट होती हैं तो आपको एक सुबह और एक आपको एक शाम मिलती हैं ब्लेसिंग्स, जो कि आपका पुरानी ब्लेसिंग्स अगर मिस आउट हो जाए तो इन्जॉय करिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करिए। उनके 5 मिनट में अगर उनका जीवन चेंज हो सकता है ये ब्लेसिंग सुन करके, 6 मिनट में, 7 मिनट में मैक्सिमम, तो उनका उनकी जो दुआएं होंगी वो आप तक भी आएंगी। तो देखें, परमपिता परमात्मा आज के विशेष इस वरदान में हमें कहते क्या हैं। परमात्मा कहते हैं, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाएं। हर एक अंदर कोई ना कोई विशेषता है। यहाँ पे विशेषता का मतलब ये नहीं है कि आप खाना बनाने में अच्छे हैं, या आप ड्रेसअप करने में अच्छे हैं, फैशन में अच्छे हैं, या आप IT में अच्छे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में अच्छे हैं, या अच्छे पढ़ाई में आप, या मैथमेटिशियन, इसकी बात नहीं हो रही। सिर्फ आपके अंदर जो अच्छाई हैं, विशेषता हैं आपके अंदर, वो कुछ भी हो सकती हैं। आपके अंदर नम्रता है, धैर्यता है, आपके अंदर सादगी है, आपके अंदर सबके साथ में मीठापन है बात करने का, आपके अंदर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों की बात हो रही है। ये अगर गुण आ जाते हैं आपके अंदर तो आपके सारे गुण काम करते हैं, आपके जॉब में भी, आपके काम में भी, आपके रिलेशनशिप्स में भी काम आते हैं। लेकिन ये फाउंडेशन आपकी लाइफ की, तो ये होगी आपकी विशेषताएं। तो विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाएं। साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। साधारणता क्या हुई? कोई व्यक्ति जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन में, जिसको कि कोई उसके अनुसार ना सुन रहा हो, चल रहा हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो घर के फैमिली का हेड हो, उसको चिड़चिड़ापन आ सकता है, उसको क्रोध आ सकता है, उसको घृणा से नफरत आ सकती है, वो हो गया बहुत नॉर्मल, वो साधारणपन हो गया। लेकिन आपके अंदर परमात्मा ने, अगर आपने 7 डे से कोर्स किया, तो आपके अंदर कुछ गुणों को देखा है, आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ देखी हैं, और परमात्मा चाहते हैं कि आप उन गुणों को यूज़ करें। जैसे कि आप अपनी पेंसिल को जब तक शार्पन नहीं करते हैं, तब तक आप उसको इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। घिसी पिटी पेंसिल से आप कैसे लिखेंगे आपको पता ही है। उसी तरीके से आप अभी अगर अब घिसी पिटी पेंसिल बन चुके हैं, तो परमात्मा चाहते हैं कि आप अपने आप को शार्पन करें। शार्पनर कौन है यहाँ पर? शार्पनर हो गए परमपिता परमात्मा। जब आप ब्रह्मा कुमारीज में 7 डेज कोर्स करते हैं, तो आपको एक शार्पनर मिल जाता है। आप हैं पेंसिल, आप अपने आप को जितना शार्पन करेंगे, जितना अपने आप को आप मेडिटेशन में, जितना आप अपने आप को उस नॉलेज की गहराई में लेके जाएंगे, उतना आपके अंदर विशेषताएं जो छुपी हुई हैं, जो कि एक छुपा हुआ हीरा होता है, जो कि दबा हुआ हीरा होता है, कोयले के अंदर दबा होता है, वो चमकता नहीं है जब तक उसको बाहर ना निकाला जाए, उसके ऊपर से कोयला ना हटाया जाए। तो आपके ऊपर भी बहुत सारा कोयला जमा हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं परमात्मा। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है। आपके अंदर अगर कोई नेचर है, अच्छी नेचर के हिसाब से देखा जाए, तो आपके अंदर नेचर हो सकती है कि किसी को आपने देखा दुख में, तो आप उसको मदद करना शुरू कर दें। आपकी नेचर है कि आप किसी को रोता हुआ देख नहीं सकते, तो आप उसको हंसा देते हैं। आपकी नेचर है कि कोई अगर ठीक से काम ना करो, आप उसको डांट देते हैं हमेशा, ये आपकी नेचर है। अगर कोई आपसे झूठ बोले, आपसे सहन नहीं होता है, आप बिल्कुल इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, ये भी नेचर हो सकती है। पॉजिटिव नेचर भी और नेगेटिव नेचर भी, दोनों चीज़ें हैं। इसको हम एक तरीके से एक प्रकार का संस्कार ही कह सकते हैं, संस्कार से नेचर बनती है। तो सोचना व करना नहीं पड़ता उस इंसान को, ऑटोमेटिक हो जाता है, आपसे भी होता है ना बहुत सारी चीज़ें। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं। तो परमात्मा चाहते हैं कि जो विशेषता के संस्कार हैं, अभी तो नेगेटिव हो गए, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, किसी से किसी को गाली करना, किसी को नीचा दिखाना कि आपने झूठ कैसे बोला, इतने आप ये हो चुके लेकिन झूठ बोलते हैं अभी, मतलब इस टाइप की चीज़ अगर आप करते हैं अभी भी, तो वो आपकी विशेषता नहीं हुई, वो आपके अंदर साधारणपन हो गया, जो कि हर इंसान ऐसे ही करता रिएक्ट आजकल किसी भी सिचुएशन में। लेकिन कोई भी सिचुएशन में अगर आप ज्ञानी इंसान हैं, अगर आपने मेडिटेशन सीखी हुई है, अगर आप मेडिटेशन में आप परिपक्व हैं, अगर आप स्ट्रांग हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों से आप ऊपर उठ सकते हैं। ये कहना चाहते हैं परमात्मा कि विशेषताएं अपनी यूज़ करो। फिर परमात्मा कहते हैं, ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं, और हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि यह विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। कि आपके बारे में कहें कि इसके अंदर तो बहुत परिवर्तन आ गया, ये तो बड़ी विशेष आत्मा है, ये देखो इसने जरा इतना आकर वो इंसान इसके ऊपर चिल्लाया, लेकिन इसने एक भी चूं करके जवाब नहीं दिया, उल्टा इसके प्रति तो उस इंसान जो चिल्ला रहा था उसके प्रति तो इसने दुआएं दी हैं, और उसको कुछ असर ही नहीं पड़ा है, वो बिल्कुल अचल अडोल रहा है उस सिचुएशन में भी। ये आपकी अगर कोई विशेषता करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो विशेषता आई है, परमात्मा के गुण आपके अंदर आने शुरू हो गए, क्योंकि मेडिटेशन से आते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मरजीवा। अब मरजीवा मतलब क्या है? मरा और फिर भी जीवा, मतलब जीवित। मरा मतलब पुराने आदतों से मरा, पुराने अभिमान से मरे, पुराने देह के अहंकार से मरे,
और नया जीवन मतलब कि सोल कॉन्शियस हो गए, आत्माभिमानी हो गए, हमारे अंदर सारे गुण आ गए परमात्मा के दिव्य गुण, जिसमें आपके पेशेंस आती है, टॉलरेंस आती है, मतलब कि धैर्यता आ गया, नम्रता आ गया, पवित्रता आ गई आपके अंदर, सादगी आ गई, अंतर्मुखता आ गई आपके अंदर। ऐसे आपके 36 गुण होते हैं जिसकी लिस्ट दी है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको गूगल के उस पेज पर लेके जाएंगे जहाँ पे सारे के सारे गुण दिए हैं, 36 गुण जो कि परमात्मा या दिव्य गुण होते हैं, वो हो गए विशेषताएं आपके अंदर। तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता ना हो, आपकी जो सोच हो ना वो साधारण सोच ना हो। आजकल लोगों की सोच ज़्यादातर ये होती है कि मेरा क्या भला हो, मेरा ही सब कुछ अच्छा हो, मैं ही आगे बढ़ूँ, मेरे पास ही ये सारी चीज़ें आएँ और मेरे को ही लोग कहें और मेरा ही नाम मान शान बढ़े और मेरे को ही लोग प्यार करें और मेरे को ही पूछें। परमात्मा कहते हैं बहुत साधारण चीज़ों की है, सारी दुनिया बोर हो चुकी है इन चीज़ों को देख करके, क्योंकि हर एक के अंदर इंसान के अंदर यही है, मतलब ही बना है। तो परमात्मा कहते हैं कि आपके अंदर ये साधारणता ना हो, आपके अंदर असाधारणता हो, आप लेने वाले नहीं आप देने वाले बने। और बहुत सारी चीज़ें जो कि 5-6-7 मिनट में ना बोली नहीं जा सकती हैं, पर जो कि आप ब्रह्म कुमारी में जाकर के समझ सकते हैं आसानी से। आप ज़रूर जाएं और 7 डेज का कोर्स करें, आप जिस भी सिटी से ये बातें सुन रहे हैं, अगर आपको ये मैसेज फॉरवर्ड मैसेज मिले हैं किसी से तो आपका भला हो रहा है इसमें, तो अभी जाके सीखें ब्रह्म कुमारी में। ब्रह्म कुमारी कुछ गलत नहीं सिखाती है, सारी चीज़ें ये जो आप सुन रहे हैं ना आज, यही चीज़ें आपको सिखाती है। कुछ गलत लगा आपको उसमें? अगर नहीं लगा तो ब्रह्म कुमारी में जाके सुने चीज़ों को। इसी के साथ ओम शांति।